गति। अब इसमें देखिए आपके पास दो प्रारूप है गति का, एक प्रारूप विरामावस्था और दूसरा प्रारूप जो है वो गति की अवस्था है। दोनों हम लोग सामान्य जीवन में इसको महसूस करते हैं। क्लास में सारे बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं तो सब विरामावस्था में हैं, और अगर बेल बजा या रेसेस हुआ या छुट्टी हुआ तो सारे बच्चे जो है वो अपने क्लास से निकल के और अपने गंतव्य पे जाने लगते हैं। अब ये तो सामान्य जीवन में हम लोगों को समझ में आता है कि विरामावस्था और गति की अवस्था क्या है। अब इसको कैसे परिभाषित किया जाएगा, कैसे उसको सही शब्दों में लिखा जाएगा, इसको समझना आवश्यक है। यदि किसी वस्तु, वस्तु को क्या बोलेंगे आप, ऑब्जेक्ट की स्थिति, स्थिति मतलब पोजीशन में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब वस्तु के स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे जब आप क्लास में सारे बच्चे एक साथ बैठे हैं और क्लास उनकी चल रही है, टीचर उपस्थित है, तो टीचर अपनी स्थिति को थोड़ा बहुत परिवर्तित कर सकता है, लेकिन सारे बच्चे जो है अपनी स्थिति पे बैठे रहते हैं, एक निश्चित अवस्था में बैठे रहते हैं, एक निश्चित स्थिति पे बैठे रहते हैं, तो वो विरामावस्था में उस समय है। तो उसी के सहायता से आप इसको समझ लीजिए, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु विरामावस्था, रेस्ट बोलेंगे इसको, में कहलाती है। तो हमेशा जो विज्ञान के शब्द हैं उनको आप स्पेशली फिजिक्स, भौतिक विज्ञान में, तो भौतिक विज्ञान में तो हमेशा आपको जो शब्द आएंगे तो अधिकतम जो हैं वो आपके सामान्य जीवन से जुड़े हुए आएंगे और आप उसको अनुभव करेंगे। दूसरा है इसमें विरामावस्था के बाद गति की अवस्था, क्या कहा जाएगा इसको। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती है, मतलब अभी जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो वस्तु है अगर वो समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती रहे, जैसे जब आप अभी हम लोग क्लास में जैसे ही रेसेस का बेल होगा सारे बच्चे क्लास से निकल के अपनी स्थिति को लगातार परिवर्तित करेंगे, और फिर उसी के हिसाब से इसको आप परिभाषित कर लीजिए। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती है तो वह स्थिति परिवर्तन ही गति कहलाएगा। क्या होगा गति भाई, आप अपनी स्थिति को बदलिए। आप अपनी स्थिति को नहीं बदलेंगे तो आप किस अवस्था में चले जाएंगे, विरामावस्था में, और अपनी गति को, स्थिति को बदलेंगे, परिवर्तित करते रहेंगे, तो इसका मतलब कि आप जो है वो गति की अवस्था में है, आपके स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। ये आप लोगों को दो अवस्थाएं बताई गई। अब फर्दर इसमें हम लोग अदिश तथा सदिश राशियों का ज्ञान जो है हमें होना चाहिए। अदिश को स्केलर और सदिश को वेक्टर, याद रखिएगा, अदिश को स्केलर और सदिश को वेक्टर, राशियों को क्वांटिटीज कहा जाएगा। अब पहला इसमें ले लेते हैं हम लोग कि अदिश राशि को कैसे परिभाषित करेंगे। तो वे राशियां व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण, उन राशियों को जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण, मात्रा, परिमाण मतलब मात्रा, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहते हैं। तो वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल मात्रा, उनके मैग्नीट्यूड, उनके परिमाण की आवश्यकता होगी उन्हें अदिश राशियां बोलेंगे। उसमें आप
उसके डिस्कशन में कहीं भी दिशा का ज्ञान नहीं आएगा। जैसे द्रव्यमान, आप जब कोई सामान खरीदने जाते हैं तो दुकान पे आप बताते हैं कि आपको कितने किलोग्राम चाहिए और दूरी आप कितनी चलेंगे, चाल आपकी कितनी है, आयतन आपको कितना चाहिए। अब द्रवी पदार्थ आप जाएंगे तो आप देखेंगे कंटेनर पे 1 लीटर का है, 2 लीटर का है, 5 लीटर का है, आयल हो किसी भी तरह का, इसी तरह से आप इसको परचेस करते हैं। तो इसमें दो चीजें आप देख लीजिए कि अदिश राशियों में क्या है, केवल मैग्नीट्यूड परिमाण की बात होगी केवल, उसमें दिशा का कोई ज्ञान नहीं होगा। अब दूसरी एक कैटेगरी बनती है राशियों की सदिश, और पहला आपको डिस्कस किया गया, इसको ध्यान से रखिएगा हमेशा फर्दर पढ़ने के लिए, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ध्यान दो, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाते हैं। उसमें दोनों होना चाहिए, आपका परिमाण और परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे बल, आप जब आप बल लगाएंगे तो आप बल आरोपित करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि बल आरोपित करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, किस दिशा में बल को आरोपित करना है किसी विषय वस्तु पर, तो उसके प्रतिस्थापन पे प्रतिस्थापन उसका निर्धारित करेगा कि आप बल को किस दिशा में लगाएंगे, वेग इत्यादि। तो इसमें आप अदिश और सदिश राशियों के अंतर को ध्यान से पढ़िएगा फिर से, और इसको सुनिएगा फिर से, और इस पे ध्यान आप केंद्रित करके कोई दिक्कत आएगी तो पूछेंगे।